Hey guys, good morning and welcome back to my channel. So if you're new to this channel, मेरा पूरा इंट्रो भी बोल नहीं पा रही मैं क्योंकि मैं इतनी स्लीपी हूँ इस वक्त. बट क्योंकि आज का वीडियो इज़ मुझे शुरू से ही क्या कहते हैं आप लोग कंट्रोल करने वाले हो मेरे दिन, तो मैंने सोचा मैं उठते ही सबसे पहले लाइट जलाती ही पहले व्लॉग करती हूँ. मैं अभी फ़ोन से ही कर रही हूँ, मेरे को कैमरा भी नहीं पता कहाँ पड़ा है. मतलब पता है बट उठने का बिल्कुल हिम्मत नहीं है मेरी. सो जितनी देर में जाके मैं ब्रश वगैरह करती हूँ एंड फ्रेशन अप होंगी, तब तक मैं पहले से एक पोल डाल के जाऊंगी. सो डालते हैं ब्रेकफास्ट का पोल. अच्छा, सो फॉर द पीपल हु डोंट नो वॉट इज गोइंग ऑन एग्जैक्टली, सो आई एम गोना बी पोस्टिंग पोल्स ऑन इंस्टाग्राम एंड यू गाइज आर गोना बी इन चार्ज ऑफ वॉट एम आई गोना डू माई एंटायर डे आज का. सो फॉर माई ब्रेकफास्ट आई एम गोना पुट दिस पोल विच इज़ हेल्दी ब्रेकफास्ट और जंक. एंड हेल्दी में आई थिंक आई एम गोना हैव सीरियल, मे बी नॉट श्योर. एंड जंक हुआ तो आई हैव परांठा विद मक्खन, यम्मी. सो वो भी नॉट श्योर, अगर मुझे कुछ ज़्यादा जंक वाला कुछ मिला तो मैं वो चूज कर लूँ. हे गाइस, सो इट्स बीन अबाउट 15 मिनट्स सिंस आई पोस्टेड माई स्टोरी, सो इट्स टाइम टू चेक द रिजल्ट्स. एंड तब तक मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ. आई हैव ऑलरेडी ब्रश माई टीथ और मैं बाल भी थोड़े ठीक कर लिए, वरना मेरे मुंह पे ऐसे लटक रहे थे बाल. सो हेयर इज द फाइनल रिजल्ट. जंक विंस. आई एम वेरी शॉक्ड बिकॉज आई थॉट पीपल वुड गो फॉर हेल्दी, नोइंग दैट आई डोंट ईट अ लॉट ऑफ हेल्दी थिंग्स इन माई जिंदगी. तो मुझे लगा था लोग जान के बोलेंगे कि जंक हेल्दी खाओ. बट बहुत क्लोज था, आई थिंक 200-300 वर्ड्स का ही फ़र्क था दोनों में. बट जंक विंस. सो इट्स टाइम टू हैव माई ब्रंच, नॉट इवन ब्रेकफास्ट, ब्रंच. लेट्स गो. सो गाइज, माई ब्रंच इज हेयर एंड आई थिंक इट्स इनफ जंक. दीज आर पटेटो वेजीज, पटेटो जो भी कहेंगे इसको. दिस इज बर्गर विद टिक्की एंड चीज एंड कोल्ड कॉफी, माई बेब विद चॉकलेट सिरप. आई थिंक माई मॉम इज अ कम्प्लीट शेफ एंड इट लाइक फॉर मॉम, शेफ मॉमी. ब्रंच कर लिया, ब्रेकफास्ट तो बोलूंगी भी नहीं मैं, ब्रंच कर लिया. थैंक यू सो मच मुझे अच्छा खाना खिलाने के लिए, बिकॉज हेल्दी खाना तो हमारी इतनी बनती नहीं है. खैर, नाउ इट्स टाइम फॉर माय सेकंड पोल विच इज गोइंग टू बी टेक अ बाथ एंड गेट रेडी और स्किप टुडे एंड स्टे इन पजामाज. प्लीज लेट मी बी इन पजामाज फॉर नाउ गाइज. मैं नहाती भी हूँ ना आजकल, तो मैं रात में नहाती हूँ, मतलब 9 बजे 10 बजे. बट मतलब इस टाइम या शाम में नहाने बिल्कुल मन नहीं होता, तो प्लीज आई वॉन्ट टू स्टे इन माई पजामाज. सो अभी ये वाला पोल डालते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है. A few moments later. ये क्या कर दिया, मुझे अब नहाना पड़ेगा गाइज, बिकॉज दिस इज द रिजल्ट एंड clearly you guys want me to take a bath and get all freshened up. But मैं वैसे भी ऐसा मत समझना कि मैं नहाती नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है. मैं रोज़ नहाती हूँ बट मैं रात को नहाती हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लगता है रात में नहाना. सुबह मैं एक तो लेट उठती हूँ बिकॉज मैं लेट सोती हूँ, तो मैं लेट उठती हूँ. उसके बाद लॉन्ग स्टोरी नहाने तो वाली हूँ, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू डू माई मेकअप बिकॉज दैट इट सेल्फ इज द नेक्स्ट पोल. सो नेक्स्ट पोल में मैं आप लोग से पूछने वाली हूँ इफ आई शुड डू माई मेकअप और नॉट. सो आई विल गो टेक अ बाथ एंड कम बैक. सो गाइज, नाउ दैट आई एम ऑल फ्रेशनड अप, जबकि मेरा मन नहीं था नहाने का, बट आई यू आर कंट्रोलिंग माई डे सो आई कैन नॉट क्वेश्चन एनीथिंग.
सो मैं नहा तो चुकी हूँ, बट एज आई सेड आई हैव नॉट डन माई मेकअप बिकॉज आई हैव टू पोस्ट अनदर पोल फॉर दैट विच इज़ दिस वन विच इज़ मेकअप और स्किन केयर. सो अगर स्किन केयर आए तो ऑब्वियसली मेकअप करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए मैंने मेकअप करा ही नहीं अब तक. सो लेट्स जस्ट वेट फॉर 15 मिनट्स फॉर दिस पोल एंड देन आई गेट बैक टू यू. सो इट्स बिन अबाउट 20 मिनट्स सिंस आई पोस्टेड द पोल एंड वी हैव अ क्लियर विनर गाइज विच इज़ द स्किन केयर. सो आई एम गोना डू माई स्किन केयर नाउ. डार्क सर्कल इतने हो चुके हैं, मैं क्या करूँ, प्लीज सजेस्ट मी समथिंग फॉर माई डार्क सर्कल्स. सो टूडे आई एम गोना यूज द चारकोल फेस स्क्रब बाय मामा अर्थ विच इज बेसिकली फॉर डीप एक्सफोलिएशन. इट कंसिस्ट ऑफ चारकोल एंड वॉलनट. सो मैं क्या करने वाली हूँ आज, आई एम गोना डू द स्क्रब रब चैलेंज वेर इन आई विल अप्लाई दिस स्क्रब टू द हाफ साइड ऑफ माई फेस सो दैट आई कैन कंपेयर द रिजल्ट कि स्क्रब यूज करने के बाद मेरा एक्चुअली स्किन में क्या फर्क होता है. सो लेट्स स्टार्ट दिस. सो इट इज ब्लैक इन कलर विद ग्रैन्यूल्स. ऑफकोर्स स्क्रब्स में ग्रैन्यूल्स होते हैं. टेकिंग अ बिट ऑफ वाटर बिकॉज इट्स अ स्क्रब आफ्टर ऑल. एंड आई हैव ऑल्सो हर्ड दैट चारकोल इज अ ग्रेट इंग्रेडिएंट फॉर योर स्किन सो आई थिंक दिस शुड वर्क वेल. ऑल्सो अ गुड पार्ट अबाउट दिस इज दैट मामा अर्थ इज क्रुएल्टी फ्री एंड पेटा सर्टिफाइड. And they're also a plastic positive brand, which is they recycle more plastic than they actually use. So after rubbing it nicely on my skin in upwards motion, always remember, जब भी आप skin पे कुछ use कर रहे हो, उसको upwards motion में use करना, कभी भी ऐसे नहीं करना. Because ऐसा मतलब मैंने सुना है, मैं beauty gurus से सुना है बहुत ज़्यादा कि आपकी skin dull लगती है और बहुत ज़्यादा ऐसे लटकू लटकू जाती है. So हमेशा जब भी कुछ लगा रहे हो, in upwards direction, even the moisturizer and everything. So now that I've thoroughly applied it on my skin, I'm gonna wash it and then be back. Skin actually feels instantly glowing and soft on this side as compared to this side. क्योंकि मैं feel कर सकती हूँ अभी अपनी skin. And scrubs का best part यही होता है कि it clears all the dead skin cells. So आपकी skin you know starts breathing again. I also have another scrub in this range which is the Upton face scrub which is basically for tan removal. So turmeric आपको पता है ये कितना अच्छा ingredient है for the skin. So I'm gonna try that as well. So that was it for today's skincare. So these are also available on Mama Earth, Amazon and Nykaa and you can also use my code which will be here on the screen for 20% off. So me being me, I'm hungry again. So I have put up this bowl which is watermelon juice or Oreo shake. If you ask me personally, I would want to have watermelon juice because मेरे को भी बहुत ठंडा सा एंड रिफ्रेशिंग कुछ पीना मन है. सो अगर मेरे ऊपर होता आज तो मैं वाटरमेलन जूस ही लेती अभी. बट आई पुट अप दिस पोल आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू आंसर एंड देन जो होगा होगा. गुगी आई है, मेरी गुगी गुगी को ले. ये इसका चिलिंग स्पॉट है, यहाँ क्या नीचे रहता है. ओ नो तबाही. नो बेनी गंदी बात, वो सुनता ही नहीं है मेरी. सुनता हो तो बात है ना. बाय द वे गाइस, इफ़ यू रिमेंबर मैंने यहाँ पे चुप होएगा तो मैंने यहाँ पे फेस टाइम शूट किया था ऐसे ऐसे करके. यही वो पौधा है जिसके साथ मैंने फेस टाइम शूट किया था. Also, a lot of you are asking me for my room tour and balcony tour. पता नहीं क्या क्या रिक्वेस्ट आ रहे हैं ऐसे करके. तो कोई बात नहीं, हम करेंगे. रूम टोर में ही मेरी बालकनी आएगी क्योंकि मेरे रूम के साथ ही. चुप नहीं होएगा ये, इसको लोग दिख जाते हैं ना, ये भोंकता रहेगा, कल तक भोंकता रहेगा इसका बस चले तो. एनी वे आई थिंक इट्स बिन अबाउट 15 मिनट्स ऑलरेडी. आई थिंक मैं 5 मिनट और वेट करती हूँ. इसका भोंकना प्लीज माइंड मत करना, बट आई थिंक मैं 5 मिनट और वेट करूंगी टू गेट द रिजल्ट्स एंड देन वी. द लास्ट टाइम दैट आई डिड दिस वीडियो तब मेरा मेरे फेवर में था, बट इस बार ऐसा हो रहा है जो मैं चाह रही हूँ वो नहीं हो रहा, उसका ऑपोजिट हो रहा है, मतलब मेजोरिटी में. बिकॉज ओरियो शेक जीत चुका है पोल में. सो इट्स टाइम फॉर सम ओरियो शेक बिकॉज आई एम वेरी थर्स्टी. तो मुझे जल्दी से पीना. कितना भूख रहा है और कितना गाइस ये क्या है. आई थिंक पता नहीं बोलू ही क्या, बट मॉम का प्रेजेंटेशन इज ऑलवेज सो अप टू द मार्क
एंड दिस इज़ वन थिंग आई रियली नीड टू लर्न फ्रॉम हर, हर चीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट करना फॉर यू. आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव दिस जन्नत. आई डोंट लाइक पर्सनली कुछ क्या पर्सनली आई डोंट लाइक बहुत ज़्यादा चॉकलेटी शेक्स. या सो पर्सनली आई डोंट लाइक बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना एकदम ही चॉकलेटी होती है सर, आई डोंट लाइक दैट. इसमें वैनिला, इसमें मैंने शायद आइसक्रीम भी डाला है एवरीथिंग, सो आई रियली लाइक दैट फ्लेवर कि मतलब मिक्स होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चॉकलेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज गुड टू गो. यम्मी. अरे तो सुबह से मैं बहुत स्लीपी हूँ, पता नहीं क्यों, नहाने के बाद भी आई डिडंट फील एनी लाइक कि हाँ अब नींद नहीं आ रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है आई थिंक, बिना मतलब कि मुझे वीकनेस हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्यों, मतलब मन कर रहा है वापस सो जाऊँ. सो एनी वे दैट वॉज माई पोल नंबर 4 आई थिंक, एंड अभी ऑलमोस्ट डिनर का टाइम होने ही वाला है थोड़े टाइम में. वैसे तो मेरा वाटरमेलन जूस पीने का मन था, बट आई थिंक ये भी बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा. मम्मी की वाटरमेलन जूस की प्रेजेंटेशन भी A1 होती है, बहुत ब्यूटीफुल. आई थिंक शी शुड ओपन हर ओन कैफे नाउ, कॉमेंट इफ यू एग्री. मम्मी को फोर्स करूँगी कैफे टाइम. फाइनली फॉर माई लास्ट पोल मैंने कुछ बहुत फनी सा डाल दिया, विच इज नेटफ्लिक्स एंड चिल और स्टार्ट एडिटिंग दिस वीडियो राइट नाउ, जो मैं अभी शूट कर रही हूँ. एंड द रीज़न दैट आई डिड दैट वॉज बिकॉज ये मेरा पोल होता ही, बट आई थिंक ये एक दो पोल्स के बाद जाता है ये वाला. बट आई हैव बिन फीलिंग वेरी लाइक लो ऑन एनर्जी टूडे आई थिंक, बट मैं वीडियो स्टार्ट कर चुकी थी तो सो आई थॉट कि मैं बीच में नहीं छोड़ूंगी, सो मैं कंप्लीट करूँगी वीडियो पूरा. सो बट आई एम रियली फीलिंग लो ऑन एनर्जी, आई डोंट नो मे बी इट्स लैक ऑफ स्लीप और क्या. सो दैट इज़ द रीज़न दैट आई एम स्किपिंग ऑन वन पोल फ्रॉम दिस वीडियो दैट आई हैड प्लान्ड अर्लियर, बट आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दैट. सो दैट वॉज इट्स फॉर दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वन एंड लेट मी नो वॉट वुड यू लाइक टू सी इन माई नेक्स्ट वीडियो. कॉमेंट जरूर करके बताना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. मैं तो भूल ही गई कि उस पोल का आंसर 50-50 आया था, बट आई ट्राइड यू नो वेटिंग फॉर सम टाइम सो दैट कहीं पर तो हो जाए परसेंटेज, बट इट गॉट टू 50-50. सो आई थिंक इट्स माई चॉइस था वॉट वुड आई लाइक टू डू, लेकिन आई थिंक आई वुड actually watch one or two episode of some series and then start editing this video. So yes, also thank you so much for all the sweet comments that you have been doing on my previous videos. I love you all. Hey.